आपको याद ही होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये वीडियो 2016 की है, दिल्ली की, जब AQI 500 से ऊपर हो गया था और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, लोगों को अपने आगे क्या है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दिल्ली को द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। नमस्कार, मैं हूं ध्रुवी छाजेर और आप देख रहे हैं संवाद। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से लेकर 50 तक हो तो एयर क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, और अगर 50 से लेकर 300 तक हो तो एवरेज से लेकर वेरी बैड मानी जाती है, और अगर 300 से ज्यादा हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है। सोचिए 2016 में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 500 से ज्यादा हो गया था, यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो एक इंसान केवल एक दिन सांस लेता है तो तकरीबन 50 सिगरेट जितना धुआं अपने में लेता है। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नवंबर 2020 में AQI 400 तक पहुंच गया है। हमें ये लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज बंद थी, कार्स नहीं, व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, तो एयर पोल्यूशन काफी कम हो गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। सरकार अपने तरीके से गाइडलाइंस बना रही है, रूल्स बना रही है, लेकिन एज सिटीजंस हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दिवाली आ रही है तो अगर हम फटाके ना फोड़े तो हम अपने तरीके से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।